मतदान हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। देखिए, इस बात का हमने जिक्र भी किया था कि मताधिकार हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी, क्योंकि कर्तव्य के निर्वहन से ही आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करेंगे। हमारे साथ में एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, वोटिंग शुरू हो चुकी है 37 जिलों में, 2,40,00,000 लोग आज इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 9 कमिश्नरेट में के 37 जिलों में वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो गई है और तकरीबन शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा मौसम खराब है, कुछ जगह पे हल्की बारिश, कुछ जगह पे ज्यादा बारिश, कुछ जगह पे धूप भी खिली है। लखनऊ में कल देर रात तक बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से लखनऊ में धूप खिली हुई है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने हर तरह धारा 144 लगा रखी है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता खुद देश के रक्षा मंत्री लखनऊ आए हुए हैं, वो तकरीबन 9 बजे अपना वोट देने जाएंगे। साथ ही कई बड़े वीआईपी 9 से 11 के बीच में लखनऊ में अपना वोट कास्ट करेंगे। हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से लेके सुबह 7 बजे सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जाकर अपना वोट कास्ट किया, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। लखनऊ का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर राजनाथ सिंह के अलावा और कौन कौन से वीआईपी आज वहां वोट कास्ट होने वाले हैं? देखिए, राजनाथ के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता वोट डालेंगे। इसके साथ साथ मायावती को वोट डालना है, उसके साथ सतीश चंद्र मिश्रा को वोट डालना है, चीफ सेक्रेटरी सहित तमाम बड़े एसीएस भी अपना वोट कास्ट करेंगे। काफी ब्यूरोक्रेट्सों की ड्यूटी लगा दी गई है ऑब्जर्वर में, वो दूसरे जिलों में तैनात है, लेकिन काफी वीआईपी जो है वो तकरीबन 9 बजे के बाद वो घरों से निकलेंगे, क्योंकि शहरी कल्चर है, शहर में थोड़ा सा देर में लोग घर से निकलते हैं, उसके बाद वो वोट कास्ट करने गए। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गोरखपुर में अपना मतदान किया है और लोगों को मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील भी किया है। हमारी जनता हमारी तस्वीरें देख सकती है सीधी तौर पे कि जिस बूथ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट किया, उस बूथ को एक आदर्श मॉडल बूथ बनाया गया था, जहां पर उन्होंने जाके अपना मतदान किया और लोगों से अपील किया है कि वो अपने घरों से निकले और अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि एक स्वच्छ छवि की सरकार का चयन हो, जो नगरीय निकाय में जो स्मार्ट सिटी कहें या जो शहर की व्यवस्थाओं में बेहतरी ला सके, इसके लिए चुनाव हो रहा। खास तौर से अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण सहारनपुर से होते हुए वाराणसी तक आया हुआ है, तकरीबन 9 मंडल के 37 जिले लिए गए हैं। दूसरा चरण के बाद होगा, तो प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6 बजे तक लगातार वोटिंग होगी और लगातार प्रशासन की कोशिश है कि वो अधिक से अधिक वोट कास्ट हो, लेकिन मौसम भी उत्तर प्रदेश में काफी असर डाल सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कल लखनऊ में एक बड़ा मैच टाला गया, रद्द किया गया है। देर रात तक बारिश होने की वजह से प्रशासन काफी परेशानियों में था कि उसको सवेरे वो बूथों का मुआयना भी करना था, लेकिन आज लखनऊ के अगर हालात की बात करें तो लखनऊ में मौसम साफ है, धूप निकली है और प्रशासन के चेहरे भी खिले। उनको उम्मीद है कि लोग 9 बजे के बाद से थोड़ा घरों से निकलेंगे और अपने मतदान का प्रयोग करने लगे। कुछ बूथों पर लोग सवेरे ही जाके वोट डाल रहे हैं कि उनको कुछ बहुत से काम करने हैं। सरकार ने पूरी तरह से जिन जिन जिलों में वोटिंग चल रही वहां पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है, लिहाजा पूरी तरह से है। लोगों से यही अपील है कि घर में छुट्टियों का आनंद ना लें, निकलकर वो अपने वोट डालें। इसके साथ ही जितनी भी शराब की दुकानें थी उसको बंद कर दिया गया, जिससे सार्वजनिक प्रतिष्ठान उसको भी बंद किया गया है और सरकार की पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक नगरीय निकाय चुनाव में लोग जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। साथ ही मतदेय स्थल जो है उसमें भी काफी सुरक्षा व्यवस्था का इजाफा किया है। तकरीबन 720 ऐसे मतदेय स्थल है जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और तकरीबन 2000 ऐसे पोलिंग बूथ है जो अति संवेदनशील है, तो वहां पर खास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे ही अपडेट प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन से निकल कर आएगा। अभी जो शुरुआती दौर के मतदान शुरू हुआ वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। जी अच्छा, क्योंकि अभी मतदान शुरू हो चुका है और आपने भी जिक्र किया क्योंकि लखनऊ में आप हैं, शहरी कल्चर वहां पर है, तो अभी लोगों की तादाद कम है, लेकिन फिर भी लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर का चुनाव भी यूपी में तो कम नहीं होता। देखिए, शहरी कल्चर है, प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कम से कम 50% का आंकड़ा पार कर लिया जाए, क्योंकि शहरी इलाकों में लोग वोट देने जाते नहीं है। दूसरी तरफ जिसके वोट होते हैं वो उनको ये पता नहीं होता कि किस बूथ पर उनको वोट देना है, काफी लोग बाहर नौकरी करने, जॉब करने, रोजगार करने गए होते हैं, ऐसे में लोग
जो नगरीय निकाय चुनाव होता है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी नहीं करते हैं और ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज आने वाला नहीं होता है। खासतौर से जो शहरी इलाके में मध्यम और गरीब वर्ग है वही ज्यादातर निकलकर वोट देने जाता है, क्योंकि जो सभासद होते हैं वो उनको घरों से निकालने, उनको लालच प्रलोभन या उनको मान मनोवल कर पोलिंग बूथ तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो रईस होते हैं, जो काफी टॉप क्लास के लोग होते हैं, वो घरों से नहीं निकल कर आते हैं। ऐसे में ये भी पूरी कोशिश है कि जो VIP इलाके, गौतमपल्ली का इलाका हो, चाहे वो इंदिरा नगर का इलाका हो, चाहे वो अलीगंज के, जहाँ बड़े बड़े लोग VIP रहते हैं, जो करोड़ों की कोठियों में रहते हैं, वो निकल कर वोट दे रहा है। लेकिन उनका भी कहना है कि हमको पर्ची हमारे घर तक नहीं पहुंच पाई है, हमारा वोट किस बूथ पे है हमको इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है आतिश्याम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।